अक्सर लेट लतीफ रहने वाली इंडियन ट्रेन को अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी एप्पल की टेक्नोलॉजी से स्पीड देकर उसे राइट टाइम करने की एक्सरसाइज चल रही है। आज के वीडियो में हम इंडियन ट्रेन को 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के जादू वाले टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं खबर कुछ अलग। तो चलिए जानते हैं इंडियन ट्रेन को स्पीड की उड़ान देने के लिए चल रही भारतीय सरकार की एक्सरसाइज के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, दिग्गज अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी एप्पल अब इंडियन ट्रेन में बहुत जल्द टेक्नोलॉजी के विस्तार पर काम शुरू कर देगी। इससे ट्रेन की स्पीड बढ़कर 600 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसके लिए सरकार टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अव्वल माने जाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल के संपर्क में है। इंडियन ट्रेन की स्पीड बढ़ाने को लेकर चल रही सरकार की इस एक्सरसाइज के बीच देश के दो व्यस्ततम रूट दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के रेल मार्ग पर गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए तो 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। यह जानकारी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भारतीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी। उन्होंने कहा कि गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड बढ़कर 200 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो जाएगी, जिससे रेल यात्रियों को 50% के समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इसके तत्काल बाद इंडियन ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर करने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, इसके लिए हम एप्पल कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि देश में टेक्नोलॉजी का आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे यहीं पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनज़र इंडियन रेल के डिब्बे को अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से तैयार करने की कवायद भी चल रही है, ताकि इसकी मदद से रेल में होने वाले टूट फूट के बारे में आसानी से पता लगाया जा सके। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।